पवन सुत हनुमान जी महाराज की, भक्त वसल भगवान की। देखो भक्त तो बहुत होया और कृष्ण भगवान का भक्त सुदामो जी महाराज। एक छोटी सी कथा है सुदामा जी महाराज भगवान का बहुत प्रिय मित्र होया। नारी तब कहने लगी, सुनो पति मेरी बात, बार बार करूं विनती तुम्हें अब लगी जात। कहे सुदामा नार, सुनो भरतार अरज के मेरी, हर नहीं है छान पर फूस बैठन ने घर दी, नहीं है खाने को नाज, सुनो नी महाराज पेरन वस तरज, पेरन ने वस तरजी महाराज पैरों वस तरजी, मित्र बिन दयाल थारो भायलो गोपाल जाकण जाओ हर जीरे थारो, मित्र बिन दयाल जाकण जाओ हर जी। फट पेरू लवण देवे सुदा मानार, फटा फटा पेरू लवण फट गई सारी लावण, कैसे जाऊं पानी बरवा देवे सुदा मानार, फट फटा पेरू लवण फट रही ने फादरी फट रही हर तो पेरन का पिया दम तो भया पुराना, हर पेरन का पिया दम तो भया पुराना, बांधने को भक्त रया पागड़ी में ताना ताना, तो भी मैं आशीष देऊ तो भी आशीष देऊ, खुशी रहो भी सब की जाई मुझे ना याद करती मेरे पाँव जाई न जाई, से ठाणी बन गई तिले भी उठायो नाही, संकट में ना साय करता संकट में ना साय करे, समितर कौन काम देगा, जावो पति मारा आशा पूरे घन श्याम,
गायक कहो के दर्शन उसमें लागे कौन दाम, गायक कहो के दर्शन उसमें लागे कौन दाम। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, भक्त वसल भगवान की, कहे सुदामा नार सुनो भरतार अर्ज एक मेरी, थारे नहीं है छान पर फूस बैठन ने घर जी, क्यों भक्ति करना लांगे घर मोड़े ही अगरे हो, क्यों काम सुपात्र करे तो घर बने बांधे। फिर के वे नहीं है खाने को नाज, घर के मायने अन्न उड़ गयो, ऊंदरा है जगह ओडा करे हैं दान खातर। हाँ नहीं है खाने को नाज, सुनो महाराज पेरन ने वस्त्र जी, थारो मिंत्र है दीन दयाल जांचन जाओ अर्जी, थारो मिंत्र के कृष्ण भगवान है थे जांचन क्यों को जो नहीं। सुदामो जी महाराज के बन दे दी ना घर में टिंगर को कोरा कहन भी कन जू के बता हैं, हाँ क्यों फोड़ा गाले है वो भी कन जू को नहीं। तो कहीं के वे सुदामा नार, कहे सुदामा नार फाटिया फाटिया पेरू लावण, सगला कपड़ा शरीर का फाट गया, फाट रही नेफा दानी फाट रही सारी लावण, कैसे जाऊं पानी भरवा, अरे लगी मन शर्मावण, मन शर्म और आवे जय हो क्यों लज्जित करो हो। थारे जो पेरन का पिया जामा तो भया पुराना, थारे पेरन वाला कपड़ा एकदम फाटुड़ा है, फाट रही नेफा दानी फाट रही सारी लावण, कैसे जाऊं पानी भरवा लगी मन शर्म आवण। थारे जो पेरन का पिया जामा तो भया पुराना, बांधने को फकत रहा पागड़ी में ताना ताना, भूत की आटी उड़ी हुए ना भी साहब थारे पागड़ी जगी एक एक तार तार होगी जय हो। बांधने को फकत रहा पागड़ी में ताना ताना, तो भी मैं आशीष देऊं किने रुक्मणी जी ने, तो भी मैं आशीष देऊं खुशी रो भीषम की जाई, मुझे ना याद करती मेरे भावे ब्याई ने ब्याई, पर आप तो सेठानी बन गई तिल भी उठायो नहीं। रुक्मणी जी ने कह बड़ जार ते तो तिल ही उठायो को नहीं, तन केटा काम किसो हुए, आठे जगो गोडे गोडे होना दलडा पड़े घर के मां हैं, लार मुड नाकू आंधी तूफान आवे बड़े दलडो पड़ जिए, बहुत आपत हुए मेरे। हाँ जगह में गुरु जी कह भुगत भोगी हुए जगह निठा हुए, तो भी मैं आशीष से हूँ खुशी रहो विषम की जाई, मुझे ने याद करती मेरे भाव ब्याई ब्याई, आप सेठानी बन गई तिल भी उठायो नहीं, संकट में ना साय करता ऐसा मित्र कौन का। हे पति देव संकट में जको सहायता न करे वो मित्र को हुए नहीं, वो मित्रोड़ी हुए। संकट में ना साय करता ऐसा मित्र कौन काम, बेगा जाओ पति मारा आशा पूरे घनश्याम, हे जाओ जन तो थारी आशा पूर्ति कर दे, क्योंकि मैं तो दीन बंधु दीना नाते सबकी सुधी ले उन्नड़ाए, जाय के करोगे दर्शन उसमें लागे कौन दाम, वो देगा जरूर धन माल पाछा आकर मोज उड़ाई जो, थारो मित्र है दीन दयाल सांवरे न जांचन जाओ। तो सुदामो जी महाराज के है हूं किया जो बता बटे, तो कहीं कहे सुदामो जी महाराज
हम श्री कृष्ण दोनों गए थे गुरु के चाल, हम श्री कृष्ण दोनों गए थे गुरु के चाल। बोली थी गुरुवाणी मन चंदन का सुनाया सवाल, दोनों भाई साथ का वो लकड़ी तुम आयो ले रे। भगवान की सुदामे जी महाराज की घराली देख बोली, पति देव क्यों दुख पाओ, थारो मंत्र है भगवान कृष्ण, सब कुछ दे दई थे जो तो घरी। तो सुदामो जी महाराज के मारे भी के बने कौन ही, क्यों कौन बने के एक स्कूल में पढ़ता है, तन भी बात या जो ठाकुर कहे सुदामा नार, मैं तने सुनाऊं सवाल, हम श्री कृष्ण दोनों गए थे गुरु के चाल, स्कूल में गया दोनों पढ़ने, स्कूल को टाइम बाकी हो, गुरुवाणी जी घरे हा, देखकर बोले दोनों भाई जार फटाफट बन मुजार लकड़ी को बारो कर लाओ और बेगो आनो है, जे टाइम खराब कर दियो स्कूल को तो मन ठाको ने गुरु जी डंडा मारे ला बिंगा भुगत भोगी हूं कोनी थई होला। बोली थी गुरुवाणी माने ईंधन का सुनाया सवाल, ईंधन नाम लकड़ी को वह है, ईंधन का सुनाया सवाल। अब के सुदामो जी महाराज और कृष्ण भगवान दोनों जावे वन में, तो के चार मुठी माने चीना दिया, ईंधन का सुनाया सवाल, दोनों भाई साथ जाइयो
लकड़ी तुम आयो लेर भूख लागे जो चीना बांट बांट खाइयो फेर भूख लागे तो चार मुठी चीना देऊ दो दो मुठी पांती कर खा लिया लड़िया मती जीतन तो पास आई जो। अब कृष्ण भगवान सुदामो जी महाराज दोनों जावे वन में तो बात तो भगवान की लीला है। देखो भगवान दोरी डड़िया और सुदामा जी महाराज ने लगाई भूख। सुदामा जी महाराज की हम चूहा क्रिकेट मैच खेले पेट में देख बोलो चीनाली गांठ आपा कन है आपा आमने पाती का तो खाना भी पाती का छोड़ दा अब भी नडी क्यों तो की अडी का हाँ। अब देखो एक दो तीन चार धीरे धीरे कर चीना हगड़ाई साफ कर दिया। जय हो हैं जय हो। अब के सारा चीना साफ गयो एक ले देखी थी पोल पोल में ढोल बजा दियो कृष्ण भगवान आया पाछा श्री कृष्ण बोलिया चीना आधा दे दे गांठ खोल। कृष्ण भगवान देखकर बोले ले भाई आधा आधा चीना करना भूख लागी। अब सुधा मुझे बड़ा हसन सुना तो की होगो नहीं हाथ ला दिया महाराज थारो तो मन विचार ही को नहीं हो गए थे आगे उड़ा होगी हैं। श्री कृष्ण बोलिया चीना आधा दे दे गांठ खोल। हंस के सुदामो बोलियो सुनो श्री नंदलाल सारा चीना चाप गयो थारो ना विचारो ख्याल थे तो मन याद ही को नहीं आया महाराज हगड़ाई हूं तो जीम गयो। कृष्ण भगवान की यूं तो तू मन याद करे को नहीं तेरे भूख बांध दे तू पल्ले जो को भूख लाग ही नहीं भूखो आदमी भगवान ने याद करे धापुड़ो कद ही गोल करे करेगी हाँ धापुड़ के मैं गिरी भगवान ने को बोला हुआ नहीं तो कृष्ण भगवान की बात तेरे भूख बांध दू पल्ले जो तू मन याद तो करी। श्री कृष्ण बोलिया दाड़गरी यही तेरा रहे ख्याल। अब कहे सुदामा नार जतन कोई और उपाओ तेरे कन और कोई जतन है तो उपा ले भी धनी कन दूजू बोली बन मन भू बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की तो सुदामे जी महाराज की घर वाली देकर बोली यूं तो थे जो गोली कीर की थाने है ना नहीं देनी पड़ी तो देखो जुगती बनावे है और कहीं सुदामे जी महाराज देखे वे थे चार मुठी चीना ही तो है यार बंग पांती की कीर की सेना नहीं ले जियो भी पूर्ति हो जी बांग क्यों मैं तो दीन बंधु दीनानाथ है सब के घट की जानने वाला है तो कहीं क्यों है। अब नारी करके जोर लाठी और डोर लाय पके डायरे लाय पकड़ाई महाराज लाय पकड़ाई सा वड़की रे मुठी चार सा वड़की मुठी चार बांध कर लाई हो देवो हरी हो समझाए दिया बोदाई दिया ये बोदाई वो बहुत गाने दी आशीर्वाद दिदाई रे पिया बहुत गाने दी आशीर्वाद दिदाई चला सुमर गणपति घर से मैं गाय लीलू लगी रे घर से चला सुमर गणपति घर से गाय लीलू गिरे घर से ओ मैं तो दर्शन श्याम का कर शुभवे सागर पार उतरे सो ए दर्शन श्याम का
नारी करके जोर लाठी और डोर लाए पकड़ाई। हाँ एक लकड़ी दे दी हाथ में के कटे डिगो को ने हाथ में रखा कोई कुतियो गंडक नहीं खे और एक डोरी दे दी और एक लोटो दे दियो कोई कू आवे बीचे तो डोरी बांध लोटे घर पानी पी लिया। लाठी और डोर लाए पकड़ाई चावल की मुट्ठी चार बांध कर लाई थे चार मुट्ठी चीना खाया। अब घरे तो देखो चावल हाको नहीं क्यों जगह घर में गरीबी वे भी चावल छोड़ ला देखी नहीं हो। चार मुट्ठी चीना पड़ोसियों कनो चार मुट्ठी चावल लाई बेई बिना छोड़ उड़ा और सुदामे जी महाराज ने गांठड़ी बांध बोला दी। अब सुदामे जी महाराज विचार करे जे पीला हुए तो ही ले जा रहा तो करी भाई वो ही समझे तो करी भाई छोरा कोई ब्याह है लो धोड़ा चावल दी है हुकनी लोग माड़ा माने करते हैं ए चावल देर मन के थे जाओ भी धनी कने। सुदामे जी महाराज के आपनों के ले आगे लार थोड़ी आवे जय हो। अब सुदामे जी महाराज विचार करे अपन ठेठ पट द्वार का जाऊं जरूरी को नहीं गांव बार ले पासी चोको खोड़ देगा गेरी खेल दी देगा बड़ जार हो जावा ए दो तीन दिन तो चावल आपने हर जी धीरे धीरे खा टाइम पास करा दो तीन दिन पाछा आ जा के दा की कौन दियो। हाँ अब के चालिया सुमर गणपति घर से देखो पहलो काम कोई भी वो शुभ काम करे भी गणेश भगवान की वंदना करे है? मन में तो विचार कर लियो सुदामे जी महाराज कि चलो यू माथो लगे और नहीं लगे भी सही गणेश भगवान को सुमरण कर चालो द्वारकापुरी में भगवान का दर्शन तो करा। चालिया सुमर गणपति घर से जाए मिलो ना गिरधर से दर्शन श्याम का करस्यू तो भव सागर पार उतरस्यू। आपने भव सागर पार उतरनो है तो भगवान का गुण गावा। हाँ अब सुमरण कर सुदामे जी महाराज घरों निकले थोड़े से दिनों में चाल द्वारका में पहुंचा जाए और बाग बगीचा देखिया पुष्प रहा मैं का चोखो बाग देखियो अब मंच इंच रूपी भगवान देखो बाग बनावे। सुदामे जी महाराज विचार करियो गेरो ठीक है बेटो सुदामे जी महाराज हो गया। अब कृष्ण भगवान की ओर पार दिया ने क्यों वो दाड़ी पाचो बूझ लो क्यों बिंगा कोल इतना ही करूड़ा है। हाँ बिन जगणिया तो मती अटिलो कलडो है आवे कौन लो बिना जगणिया ही लार द्वार का पुरी के किनारे छोड़ दो। अब के सुदामे जी महाराज की नींद बा छेड़ी को नहीं और ला द्वार का पुरी के किनारे छोड़ दिया सुदामे जी महाराज ज्यों सूता ज्यों होता। अब सुदामे जी महाराज उठिया उठ्या तो नींद खुलता ही विचार करियो रे होता तो खोड़ में हा आ किसी नगरी आ गई पूछो पन का कल दई कोई मिल गयो क्यों रे आ नगरी किसी है भाई क्यों आ तो द्वारकापुरी एक भगवान कृष्ण की थान ठा को नहीं देख बोले माने केटा मारो के काम पूछो। अब सुदामे जी महाराज विचार करियो बेटो द्वारकापुरी में आप आया तो आया किया होता तो बट हा लीला तो अजब निराली यहाँ पर लायो है कोई कोई देख बोले टूरिया ने काफी टाइम हो गयो अब द्वारकापुरी पहुंचा को नहीं। अब भगवान कृष्ण बैठा सिंहासन पर सुदामे जी महाराज के वे फाटूड़ा कपड़ा अब सीधो प्रवेश कौन हों बताओ आडा गणाई बैठा संतरी राघोड़ा बे आनंद में लाल दाई खिड़की कने क्यों भाई ठेर इधर जो याद आगे गेट पास कौन तेर करे इधर जो क्यों भगवान कृष्ण मिलू क्यों कद का भाई लाए तेरे मैं तो नावड़ा दौड़ा बेटा बंद मिले ही कौन है तू बिना नावड़ा दौड़ और कपड़ा ही कौन शरीर माते और भगवान कृष्ण को आई मित्र बनुड़ो धक्का धूंब करे कोई समझदार हो पन का काल नहीं देख बोले रे विचारो अरदास करे करना कोई भगवान मिलो पूछो तो करी नाम की
क्यों के नाम है तेरो, क्यों मेरो नाम सुदमो है, सुदमो है तेरो नाम क्यों, हाँ क्यों थे बात बात तो कर दो जार, मिले कि नहीं मिले वापस की बात है। कृष्ण भगवान आगे जार पार दी देख बोले महाराज एक भगत आयो है थारे अरदास करे के सुदम में नाम गो हूं के भगवान कृष्ण मिलनो चाहूं, तो भगवान खुद है ना जका सिंहासन मत कहा तो बेटा सुदम जी नाम लियो ना सुदम जी महाराज को भगवान कृष्ण आसन मातु उठर हामी भूल गया उबाने पगाई गेड़े गेड़े जादू बेटे हरिगुण रहे गाय सामले सिंहासन पर बेटे श्री नंदलाल आओ तो सुदामा देखिया प्रभु उठा तत्काल यानी हाथों हाथ अरे सामने जार प्रभु मिलन लग्या बात गाल सुदामे जी महाराज मिलिया भगवान बात हो बात बड़ा प्रेम हूँ बड़ा खुशी हूँ वाह भाई भक्त आयो तो खरी मैं देखियो दाल दरिया वही को है चीना खाया बाद में आज मिलाप हुए पाचो। अब सुदम जी महाराज ने समाचार पूछे कौन कृष्ण भगवान के माय आ तो गियो बण घरे तो राजी खुशी है क्यों तेरी भूख पल्ले बांध देवड़ी है जैसे राजी खुशी नहीं हुआ तो जमा ही दर। अरे साची तो बता दे मित्र राजी है भोजाई भाई घर तो राजी है नहीं भाई भोजाई तो देख बोले बस घड़ी राजी है जने तो मन अट मेल है। अरे खाक में दिखा दे कछु दिया है जो मारे तो ही है नानी के मेली है बगांटड़ी चावड़ वाली जे को सुदामो जी महाराज काठी करे खाक में जय हो। सुदामो जी महाराज देख बोलिया अठ ए चावड़ इंग की कमी थोड़ी अटकी अरे वो बेइज्जती करी है ढगड़ंग मां हैं बा चावल की गांठड़ी सुदामे जी महाराज गांठ काठी करी बनस कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी हा क्यों मारे ताई प्रसाद दियो है तो जरूर लऊं तो बा गांठड़ी काट ले खा को गांठड़ी को खोल चावल साबन लागिया जादू नाथ भगवान फाका मारना चालू कर दिया दो ही मुट्ठी भरिया तीजा रुक्मणी ने पकड़िया हाथ के दो लोग राज सुदामे जी महाराज ने कृष्ण भगवान दो मुट्ठी में दे दियो। रुक्मणी जी देखकर बोलिया सुदम होयो हागी करे लो थारे में चाल थे ही मकरी नहीं ज्यों तीन लोग राज दाओगे हगलो जय हो। दो ही लोग सुदामे को पलमाई दे दिया। अब सुदामे जी महाराज ने कृष्ण भगवान कियो कहवे नंदलाल तो कृष्ण भगवान सुदामे जी महाराज ने समाचार पूछा तो रुक्मणी जी विचार करियो ओ भक्त इतो तेजी कठू आयो भगवान का भक्त तो घणा ही देख्या पण ऐसो भक्त नहीं देख्यो भगवान तीन लोग दो लाग राज दे दियो तीसरो दया तो कीर की इम विशेषता तो है ही। तो सुदामे जी महाराज ठंड पड़ी आ जाई कृष्ण भगवान क्यों रुक्मणी जी हाँ मिना जा को ना गरम करो पानी अरे महाराज ने नवावा। अब सुदामे जी महाराज ने देखो कहीं तो रुक्मणी जी गरम पानी करे और कहीं सामने जाके और कहीं बाता बन जावे अबार के दोषा आरे राम अरे वो दिन है की चीत आपा दोनों मीत गुरु जी के जाता रे गुरु जी के जाता महाराज दिन हो गया
दर्शन दिया भली भई क्या तारे याद आकर दर्शन दिया भली भई स्याता यो सुनी हरि की वाणी तब समझी है दुश्मन रानी सुनी हरि की वाणी समझी है दुश्मन रानी तारो प्रेम पुराना जानियो प्रेम पुराण जानी रे लगी दे सुदा में कहानी लगी दे सुदा में जाऊंगा हमारे घर आ करो जादू नाद जाऊंगा हमारे घर आ करो जादू नाद विद्या प्रभु करण लगा आठ भरी डबू डबू विद्या प्रभु करण लगे आठ भरी डब डब साथी बता दे फेर Thank you.
बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, भक्त वसल भगवान की। अब सुदामो जी महाराज ने कहे वो दिन है कि चीत भगवान के चेत तो निकल गयो कहीं है दिमाग में तेरे बेलार लदिन तो याद है ना तने आपा दोनों मीत आपा गुरु भैया वो दिन है कि चीत आपा दोनों मीत गुरु के जाता गुरुवाणी कहती तब लकड़ी बन से लाता लकड़ी को नाम लियो और हुदा में जी महाराज के कंप कंप भी झूठ भी अब वो अट बेइज्जती करी हगड़ा के बीच में धन तो धन का नरियो एरो अब चीणा की बात चलाए 100% क्यों लकड़ी तो आ गई तो चीणा की क्यों कौन चलावे पर भगवान के उस दिन हो गया प्यार बी दिन में आपने प्रेम हो गयो उस दिन हो गया प्यार मिलन को यार यार को मतलब हुआ दोस्त जो तार जल रहे उस दिन हो गया प्यार मिलन को यार कभी नहीं आता आज आकर दर्शन दिया भली भाई श्याता आज भाई भगवान जोग जोग मिले जो तुम पास मिल तो भी हो मैं देखियो मिले ही कौन अब सुदामो जी महाराज काटा काटा तो घना ही हुए हो अब के यूं सुनी हरि की बाणी भगवान कृष्ण की बाणी सुनी जन के समझी रुक्मण रानी अरे थारो प्रेम पुरानो जानी लगी देख सुदा में कानी थारो तो इतो गुरु भाई हो थे तो इतो प्रेम पुरानो है हैं लगी देख सुदा में कानी सुरत देखी जन कियो अब महाराज थे कियो जीव करनो पड़ी मरी तो भगवान के है आनंद बरतारो आगे नीचो घणो झुकी है लाए के गरम जल रगड़ के नवाया है अब गरम पानी लाओ सुदामे जी महाराज ने अब देखो भगवान का हाथ लागे जन रगड़ने की तो जरूरत ही कोनी सारो शरीर के कंचन हो गयो रगड़ के नवाया है कांगसी को लेकर हरी हाथा बाल पाया है भगवान व सुदामे जी महाराज के घना बाल तो हा कोनी एक छोटी ही हाँ हाथ चारे की लंबी बिन कांगसी हड़ हड़ जाई अड़ जा पुरडाना कांगसी को लेकर हरी आता बाढ़ पाया है अब नवा द्वार नुआ कपड़ा पेरा अरे सुदामे जी महाराज ने बींद बनाया नया पचापन रहे हरी को धर्म में नावता ही भूख लागी चन सुदामे जी महाराज ने रुक्मणी जी नवाज लगाई के भोजन बनाओ फटाफट बढ़ो तैयार हो प्रोस के थाल पास बैठ के जिमाया है गोडे हारे बैठ जिमाया भगवान कृष्ण कियो महाराज हावड़ जिमिया क्योंकि थे काफी पैदल फेर आया हो गोडा में थारे दर्द आले लो तो अब सुदामे जी महाराज ने गोडे के हारे बैठ जिमावे अब जिमने के बाद में हरीर को धर्म में नींद आवे क्यों सुदामो जी महाराज थकुड़ा इवास थे फैंसी बिछाओ तो भगवान की फैंसी बिछाओ जन अपन ध्यान है कि नींद आ जी प्रोस के थाल पेस पेट के जिमाया है फैंसी बिछाए सहज भीतर को सुलाया है आई गई नींद ब्राह्मण बहुत सुख पाया है सुदामे जी महाराज ने नींद आई इसी जगह आनंद बन गयो अब भगवान कृष्ण नींद आवताई विश्वकर्मा जी महाराज ने हुकम देर बठ बुलावे हुकम दे विश्वकर्मा को बुलाया है अरे सुदामे का मेल सोने का बनवाया है अरे अष्ट सिद्धि नव निधि जामे दरवाया है जकी चीज मांगे नी बा बनाने की जरूरत कौन क्यों तई हाजिर हो जी अष्ट सिद्धि नव निधि जामे दरवाया है अब के उठन लागे सुदामा अब भक्त वे ना वो चार बजे उठे आपा तो हुर्जमुखी आलम समझ दो हाँ चार बजे हुआ बिल्कुल सही बात है
उठन लागे सुदामा तब होने लगी प्रभात, नाय धोई पूजा करे मिलन गए उसी साथ भगवान कृष्ण सारी द्वारका में फेरे कृष्ण भगवान ने। अब कृष्ण भगवान ने सुदामा जी महाराज के महाराज मैं माल कर जाऊं, कृष्ण भगवान की हो महाराज इतना ही बेगई हम यूं कह जन ब्राह्मण को तो काम हुए देखे की दिखना तो दही लो भाई जिमावे जना हु कई जिमा दिया बेटे रिपी दियो को नहीं जाऊंगा हमारे घर विद्या करो जादूनाथ। अब के विद्या प्रभु करण लागिया जन आंख भरी डब डब प्रेम का आंसू आ गया भगवान के। अरे साची तो बता दे भीतर फेर मिला कब कब भड़की मिला कौन मिला तो सुदामा जी महाराज के की दही जन तो मिला नहीं तो तेरू आप भाषणी को गुरु। अरे साची बता मित्र फेर मिला कब कब कहते हैं नंदलाल खुशी से घर सीधा हो भगवान कृष्ण की हो महाराज जाओ भड़क नहीं मिलिया। तो अब सुदामा जी महाराज लारे जाके विचार करियो बेटा भूल जी लो केलो करे ला भाई महाराज थार दिखना तो ले जो बन मन ठायो दे दी ना घर में टिंगर कोई को रखा है जी मैं गणेश चोखा आप लोग काम तो कपड़ा नुआ पे आ दिया बाकी ब्राह्मणी तो बादू को भी तो ही पवे लारे जय हो। अब देखो सुदामा जी महाराज कहीं तो मन में रवाना हुए जन विचार करे है बात बन जावे मन में करे विचार अरे किया हरी प्यार मिलो रे जादू राई रे मिलो जादू राई मिलो कछु नाई प्रेम से भाई रे मन दियो कछु
हरे गए प्रभु हरे गए बच्चे प्रभु पूरति निकारिया हंस के सुदामा जब ब्राह्मणी के गए पास धन धन दीना नाथ धन तारी माया है धन धन दीना नाथ धन तारी माया है माया जा पार तारा पार नहीं पाया है माया जा पार तारा पार नहीं पाया है धन धन दीना नाथ धन थारी माया है सुदा में की कथा नित प्रेम से गावेला सुदा में की कथा नित प्रेम से गावेला निर्दनिये के धन हो जा बहुत सुख है पावेला निर्दनिये के धन हो जा बहुत सुख है पावेला घर निपुत्रे के पुत्र हो जा वंश को तालावेला निपुत्रे के पुत्र होवे वंश को तालावेला केवे गोपी राम पावे सागर तीरे जावेला केवे गोपी राम पावे सागर तीरे जावेला आशा गायक कलाकार श्री भूषा राम जी सोखर सूरपुरा निवासी श्री बालाजी महाराज के मंदिर में भव्य जागरण श्री विश्वकर्मा जी महाराज की अनोप कृपा से गुरु कृपा सामन सिंधगुरु निवासी श्री ताराचंद जी सोनी रिकॉर्डिंग करता और दौलत प्रसाद या भाई महेश और खंगरी मीठी मीठी बजा रहे हैं अडमाना राम खाती और सुनील कुमार और मीठी मीठी जानकार रेवंत राम जी जांगीड़ मास्टर जी और बिरजा राम जी खाती सुदामे जी महाराज की कथा का रिकॉर्डिंग गुरु कृपा साउंड में ही मिलेला आपने दूसरी जगह बहुत कम मिलेला और श्रोतागण बड़े बड़े बहुत है पर रामलाल जी बांबू सोनीलाल जी सोखन और लाइव टीआरके रिकॉर्डिंग सुरपुरा निवासी और पुजारी जी श्री फरसा राम जी जांगीर साहब और श्रोत्रागण भाग ले उन्नाला जेठा राम जी जांगीर साहब
भगवान की, बोले प्रमाणी माता की, भक्त वसल भगवान की, बालाजी महाराज की। वासा गुरु कृपा श्रावण, धन्यवाद। ताराचंद जी, सोनी साहब।